एक समय पर समाजवादी पार्टी बाहुबलियों की पार्टी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से समाजवादी पार्टी की छवि सुधर गई है। हालांकि विरोधी दल समाजवादी पार्टी को अब भी बाहुबलियों की पार्टी के नाम से अक्सर तंज कसती है। ऐसा देखा गया है कि अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में आने के बाद से उन्होंने ऐसे नेता जिनकी छवि बाहुबली नेताओं में गिनी जाती है, उनसे उन्होंने दूरियां बनाना शुरू कर दी थी। चाहे हम बात करें मुख्तार अंसारी, डीपी यादव या फिर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की, अखिलेश यादव बाहुबली नेताओं से अपनी दूरियां बनाकर रखते हैं और पार्टी से भी उन्हें दूर ही रखते हैं। और शायद यही बात शिवपाल यादव और डीपी यादव को जम नहीं रही है। तभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ दोनों मिलकर मोर्चा निकालने की तैयारी में हैं। दरअसल प्रदेश में यादव वोट बैंक करीब 12% होने का दावा है। इसे मुलायम सिंह यादव ने सपा के झंडे तले गोलबंद किया है। वक्त बदला, नई पीढ़ी आई और सियासत ने टकराव ली। शिवपाल यादव ने प्रसपा लोहिया बनाई तो पूर्व सांसद डीपी यादव ने राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाया। विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव के विधायक बनते ही राहें जुदा हो गई। वहीं मुलायम सिंह यादव काफी समय से बीमार है। उनकी पीढ़ी के तमाम यादव अलग अलग नेता के रूप में स्थापित हैं। ज्यादातर सपा में तो कुछ भाजपा के रुख में है, कुछ तमाशाबीन बने हुए हैं। ऐसे में इन नेताओं को शिवपाल यादव ने गोलबंद करने की रणनीति बनाई है। इस मिशन का नेतृत्व शिवपाल यादव और डीपी यादव स्वयं करेंगे। दोनों नेता पहले यादव बिरादरी को लामबंद करेंगे। इनके निगाह सपा और भाजपा के अलग थलग पड़े नेताओं पर है। नाम होगा सामाजिक एकजुटता का और काम होगा सियासी ताकत बढ़ाना। अगले चरण में अन्य छोटे दलों को जोड़ा जाएगा। बृहस्पतिवार को शुरू हो रहा है ये मिशन और भाजपा को तगड़ा झटका भी दे सकते हैं ये दोनों। इसमें प्रदेश के करीब 250 यादव नेताओं को बुलावा भेजा गया है। लखनऊ में मिशन की बैठक बृहस्पतिवार को है। इसमें डीपी यादव, बलेश्वर यादव, सुखराम यादव, मुलायम सिंह के संभी हरिओम यादव सहित तमाम पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इकट्ठा होंगे। कार्यक्रम में आयोजक शिवपाल यादव का कहना है कि मिशन का उद्देश्य यादव बिरादरी का उत्पीड़न रोकना है। शिवपाल यादव इसे सियासत के बजाय सामाजिक संगठन का नाम दे रहे हैं, लेकिन सियासी नब्ज पर अक्सर नजर रखने वालों का दावा है कि इस योजना के तहत समाजवादी पार्टी पर शिवपाल यादव हमला बोल सकते हैं। इसी सिलसिले में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये मिशन कितना कारगर साबित होता है। वही अगर बात करें शिवपाल यादव और डीपी यादव की, तो दोनों नेताओं की छवि बाहुबली नेताओं की मानी जाती है। जहां बाहुबली नेता डीपी यादव हत्याकांड जैसे मामले में जेल जा चुके हैं, तो वही शिवपाल यादव को लेकर भी ऐसी चर्चाएं होती हैं कि सपा कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के तहत उन्होंने कई गुंडों को आश्रय दिया था और खुद शिवपाल यादव का उत्तर प्रदेश में डंका बोलता था। एक समय था जब डीपी यादव और शिवपाल यादव की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में ही इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसका कारण केवल एक है, वो ये है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी में ऐसी नेताओं से अक्सर दूरियां बनाकर रखते हैं जिनकी छवि समाजवादी पार्टी के लिए हानिकारक होती है। आइए अब जानते हैं कि बाहुबली नेता डीपी यादव आखिर जेल गए क्यों थे। 1970 में अवैध शराब के कारोबार शुरू करने वाले डीपी यादव के एक ही ठेके अलग अलग जगहों पर थे और जहरीले शराब पीकर करीब 350 लोगों की जान चली गई थी। ये घटना 1990 की शुरुआत में घटी थी। उसके खिलाफ हत्या के 9 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा हत्या के प्रयास में 3, डकैती में 2, अपहरण और फिरौती में कई मामले समेत उत्पादन शुल्क एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए हैं। यही नहीं, उन पर गैंगस्टर और आतंकी मामले जैसे केस भी दर्ज हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में दोनों एक दूसरे के वोट बैंक को साधने के लिए अक्सर नीतियां बनाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में पार्टी के ही कोर वोटर्स को छीनने की तैयारी पार्टी के ही नेताओं ने शुरू कर दी है। लेकिन अब तक शिवपाल के सारे लामबंद कोशिशें अखिलेश यादव की लोकप्रियता की वजह से असर नहीं डाल पाई है और ना ही अभी इन बाहुबली नेताओं के साथ कोई जाने को आकर्षित दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव इससे पहले ओपी राजभर के साथ भी काफी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन उसका असर अभी तक दिखाई नहीं दिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।